एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है. क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस फॉर रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा. रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम हमें फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है, इसका इसके फोर पार्ट्स हैं. तो सबसे पहला पार्ट करते हैं हम, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू. ये हमारे पास एक फंक्शन है. इस फंक्शन की भी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमम हमने फाइंड करना है रिलेटिव, यानी उससे मिलता होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है. सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑन बोथ साइड. अब डेरिवेटिव लगेगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू. ठीक हो गया. अब ये डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू. इस पे आपने सेपरेट डेरिवेटिव लगाना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना अगर आपने एबिलिटीज हैं तो. जरूरी नहीं है कि इसको आप सेपरेट कर करके पूरा डेरिवेटिव सॉल्व करें. क्या बनता है इसका, पावर शुरू में इस फर्स्ट पे लगा दे पहले, पावर शुरू में पावर में से एक कम, एक्स का डेरिवेटिव 1 खत्म हो गया. माइनस कॉन्स्टेंट शुरू में आ जाएगा तो ये आएगा 3 टू द 6, क्या आ जाएगा 6x. बाकी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, फाइंड हो गया. अब हमने क्या पॉइंट करनी है इसकी, फॉर क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जिसमें हम क्या करते हैं, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. इसे टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू टर्निंग पॉइंट. या आपकी इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके भी कुछ आपके 7 जूस है, 7 पार्ट्स है. उस हर पार्ट को आपने इसी तरह से उसकी क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. और सिंपल होगा, सिर्फ डेरिवेटिव लेना और उसको अपने 0 के इक्वल कर देना, यानी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को 0 कर देना. अब क्या बनता है यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x. ठीक है, ये क्या वैल्यू बनती है, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0. इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 ए कॉमन आ जाएगा, 3 वन द 3, 3 टू द 6, एक्स और एक्स इसमें 2x है, एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0. तो कितने पेयर बनते हैं, एक आपको आ जाएगा 3x इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. हमने लास्ट टाइम किया तो x का कितने आंसर आते थे, 1, वो तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके वैल्यूज आती थी. यहां पर आपके पास है एक, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 3, तो x का एक आंसर क्या आ रहा है 0. दूसरा आपका x का आंसर क्या आता है 2. दो वैल्यू आ गई आपकी. अब आपने क्या करना है बताएं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ऐसे ही है ना. उसमें अगर हम इसको पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमारी लेस देन आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, जो आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी वो हो जाएगी मिनिमम. सेम प्रोसीजर है. तो अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑन बोथ साइड, सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का. तो ये डेरिवेटिव ले रहे हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव का, डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और बोथ साइड पे अप्लाई करना है तो उस तरफ क्या वैल्यू आती है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x. ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर. इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, जरा डायरेक्ट देखें, 3 टू द 6, पावर में काम करें तो x माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके सामने आ गया. अब इन दोनों वैल्यू को हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि मैक्सिमम यानी कि 0 से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है. जो छोटी है वो क्या है, मैक्सिमम, जो बड़ी है वो मिनिमम. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहला केस, यहाँ पर कितने केसेस हैं, एक तो x आपका 0 हो सकता है, यहाँ x क्या हो सकता है 2, तो दोनों को पुट करना है, इसमें से एक मैक्सिमम है दूसरी मिनिमम. क्या लिखेंगे यहाँ पर बताए, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, पहला ही है ना हमारे पास, तो इसमें जरा 0 पुट करें क्या आता है यहाँ पे,
ये आ जाएगा d स्क्वायर बाय डिवाइड बाय dx का स्क्वायर, तो जो देंगे इधर, और ये आ जाएगा 6 × 0 − 6 आ गया, −6 वैल्यू 0 से क्या होती है मैक्सिमम लेस देन होती है, ये मैक्सिमम होती है, इसका मतलब −6 इज लेस देन टू 0, तो फिर क्या होगा, ये हमारा फंक्शन एज अ मैक्सिमम वैल्यू, ये मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, 0 0 जब हो जाएगा इसमें, तो वो हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, मैक्सिमम। अब आपने दूसरा पॉइंट निकालना है जहां पे हमारा x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, अब उस पर चेक कर लेते हैं, तो जब हम x को 2 के इक्वल रखते हैं, तो फिर उसी तरह से हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 2 6 ये हमारा है ना, तो उसमें आ जाएगा 6 × 2 − 6 6 2 द 12 12 6 क्या आएगा 6, तो 6 इज मोर देन टू 0 होता है, ये 0 से बड़ा, ये फंक्शन एज अ मिनिमम वैल्यू, ये बड़ा हो जाता है 0 से तो क्या होगा, लेस देन, यानी कि आपका मैक्सिमम हो जाएगा, जब आपकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है 0 से, तो वो मिनिमम हो जाती है, तो क्या करेंगे, द फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू, हैज अ मिनिमम वैल्यू, ठीक हो गया, अब ये दोनों आ गए, अब आपने क्या निकाली है, वही मैक्स और मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर पुट करके, फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है y is equal to x³ − 3x² + 2, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, अब हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्रूव करनी है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये देखें, x को 0 पुट करें यहाँ पर, ये मेंशन किया ना स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर x 0 हो तो मैक्सिमम, अगर आपका x 2 हो तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अब सबसे पहले x को क्या पुट कर देते हैं 0, इस पॉइंट पे वो क्या होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो क्या होएगा, y is equal to, और y क्या होगा हमारा, z dy, y max, y max, y maximum, y maximum, ये आ जाएगा 0 का क्यूब माइनस 3 × 0² + 2, तो क्या आती है y max की वैल्यू, 0 2 आएगी, सर जब 0 0 0 खत्म हो जाते हैं, वो कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन ये 2 बचता है हमारा, आंसर भी चेक करते जाए इसका, और हमारे पास आता है इसका क्या, हमने एक तो वैल्यू निकाली मैक्सिमम की, अब आप इसको पुट करें x इक्वल टू 2, जिसपे हमारी वैल्यू क्या आती है मिनिमम, मिनिमम, तो अब आपकी जो y मिनिमम की वैल्यू है वो क्या बनेगी, बताएं, यहाँ आपने उसी फंक्शन के अंदर मिनिमम आ गया, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 2 का क्यूब माइनस 3 × 2² + 2, ठीक हो गया, तो क्या बनता है यहाँ पे 2 to the 4, 4 to the 8 माइनस 2 to the 4, 4 to the 12 और प्लस 2 कितने होते हैं ये 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 माइनस 12 करें तो आपके पास आता है माइनस 2, तो जो आपकी y मिनिमम की वैल्यू है वो माइनस 2 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 और मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो इसके जो आपके पास जो आती है ना क्या कहते हैं, हमने फाइंड करनी है इसकी रिलेटिव जो आपकी मैक्सिमा, तो इसका मैक्सिमा रिलेटिव मैक्सिमा कितना होगा, रिलेटिव मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 एंड रिलेटिव मिनिमम, मिनिमम वो किसके इक्वल है माइनस 1, ये आपके आंसर, ठीक हो गया, आप आगे करते हैं, हम इसका क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कवर हो गया, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन लिखे क्या है इसमें, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जी, y इज इक्वल टू 2 / 3x³ − 4x² + 6x + 2, ठीक है, ये हमारा क्या है फंक्शन, इस फंक्शन का भी क्या करना है हमने, सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं, तो लेट y तो किया होगा उसने, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताएं जरा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास d ओवर dx * y इज इक्वल टू d ओवर dx * 2 / 3x³ -
माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, ठीक हो गया। अब इस पर डेरिवेटिव लगा दो, चाहे डायरेक्ट कर दे, क्या होगा यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टू ओवर थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, टू डिवाइड बाई थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ लिखते हैं टू डिवाइड बाई थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में वन माइनस फोर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जब डायरेक्ट लिखते हैं तो फोर टू द 8x, ठीक हो गया ये, प्लस 6 इनटू 1 तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या वैल्यू बनती है इसकी, 3 से कैंसिल, तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा क्या निकला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, क्रिटिकल वैल्यू, आप पिछले क्वेश्चन से भी देख सकते हैं हमने क्या फाइंड करनी है, क्रिटिकल वैल्यू, ये हमारे पास आ गया था 4 क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू dy ओवर dx इक्वल टू 0, क्या करते हैं dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0, तो क्या बनता है यहां पे, तो 0 इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, 8x प्लस 6, देखिए ये एक इसको आप और भी मतलब सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, इन सब में 2 कॉमन आता है, आते हैं वो इस तरह से 2 कॉमन आ गया, अंदर आ x² माइनस 2 4 था 8x और प्लस 2 3 था 6 इक्वल टू 0, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड जी, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 0 हो गया, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, मुझे बताइए इसके रूट्स चाहिए तो क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 4, सी इज इक्वल टू 3, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी ओवर 2 डिवाइड बाय 2, अब इस फॉर्मूले में क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये ना सर माइनस इंटू माइनस 4 जी, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर जी, प्लस 4 माइनस ये वन हो गया सी जी, 3 ओवर 2 ए 2 1 अब ये लगे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 ठीक हो गया ना यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा माइनस 4 सर प्लस के नीचे माइनस ही आएगा जी, सर 4 प्लस माइनस आएगा, अब वो लगा देते हैं 13 आएगा, और ये क्या आएगा 4 3 का माइनस 12 ठीक हो गया, और डिवाइड बाय नहीं 4 से 12 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 2, कितना बचता है हमारे पास 4 प्लस माइनस 6 ये कितना हो जाएगा 4, यस 16 माइनस 12 करें 4, 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, अभी भी सिंपल कर सकते हैं कि 4 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 2, और सिंपल करने के लिए इसमें से 2 कॉमन आ जाते हैं, अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस 1, ये समझते हैं ना इस चीज को, इसमें 2 टू द 4 इसमें 2 अंदर 2 2 y निकाल के डिवाइड बाय 2 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब है x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1, एक बार पॉजिटिव कर ले एक बार नेगेटिव, तो x इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड x इक्वल टू 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या आता है 3, एक आपका आता है 3, दूसरा क्या आता है x इक्वल 1, तो दो हमारे पास कंपोनेंट्स बने हैं, इन दोनों कंपोनेंट से पहचान करनी है कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम है, अब हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका क्या करना है, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो याद रखना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और बोथ साइड बोथ साइड, तो ये हमारे पास वो डेरिवेटिव क्या है वो बताएं, इसका डेरिवेटिव लेना है ये देखें डी डिवाइड बाय डीएक्स, और डेरिवेटिव में आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव डी डिवाइड डीवाई डिवाइड बाय डीएक्स, डेरिवेटिव का साइन है डी ओवर डीएक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ लगाएंगे कौन सा डेरिवेटिव मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव, यहां भी आपने बोथ साइड पे लगा रहे हैं, इधर भी डी ओवर डीएक्स आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना निकला हुआ है 2x² 2x² माइनस 8x प्लस 6 8x 8x प्लस 6 और प्लस 6 सर इसको सेव करते हैं वो गलत लगा, छोटा लेते हैं ठीक है, ये वाला है 8x, अच्छा अभी हमारे पास क्या आता है यहां पर सेकंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ठीक हो गया यहाँ तक, अब ये क्या बनता है 2 टू द 4 4x माइनस 8 कांस्टेंट 0 हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव आ गया, अब आपको बताया था कि अपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किस में पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में, इन दो पॉइंट्स को ऐड करना है, पॉइंट एक पॉइंट पास ये वाला दूसरा पॉइंट एक पॉइंट पास क्या x इक्वल टू 3 होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखवाएंगे मुझे ठीक है,
सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें हमने एक एक करके x की वैल्यू को पुट करना है, फिर पता लगेगा कौन सी वैल्यू जीरो से बड़ी और कौन सी छोटी है, इससे पहचान होगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू पता, उसके बारे में पॉइंट के बारे में पता चलेगा, वैल्यू तो हमें वहां फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4x - 8। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है, इजी है। सबसे पहले पॉइंट हमारा है कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, फिर आता है डी स्क्वायर 4 - 3 - 8 = 4। इसका मतलब है कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज मोर देन टू जीरो, मिनिमम वैल्यू। या ऐसे लिखते हैं कि इक्वल टू हमारा 4 आ रहा है, और ये जो 4 है ये मोर देन टू जीरो आ गया, तो क्या दिस फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू एट एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स जब 3 होगा तो वैल्यू कौन सी मिलेगी, मिनिमम। अब हमने पुट करना है सेकंड, यहाँ पे एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, 1 के, और उसी सेकंड डेरिवेटिव में तो क्या आता है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 - 1 - 8, क्या आता है 4 - 8 से -4 आ गया हमारे पास। इसका मतलब हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव में अगर x को पुट किया जाए तो वो आएगा -4, तो ये मोर लेस देन टू 0 हो गया, कह रहा ये 0 से छोटी वैल्यू आ गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉइंट हो चुकी है हमारी जी, कि होनी है अभी, अभी होनी है, अभी हमने फंक्शन में पुट करना है। अब मुझे बताएं हमारा मेजर जो क्वेश्चन फंक्शन है वो क्या है, y is equal to 2 - 3 - 4 - 2 - 3 - x2 - x2 - 4 - x2 - x2 + 2 + 2 सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट पे लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है, जो आपका रिलेटिव मैक्सिमम कैसे निकलेगा, यहाँ पर अब आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना ये, तो आपने x को क्या पुट करना है, 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 - 3 - 1 - 4 - 1 - 2, क्या आता है यहाँ पे 2 - 3 एज इट इज, इधर सोचो दे और -4 ऐसे आ गया, +6 आ गया और +2 आ गया, इन सबको सॉल्व कर लिया, 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 -
कितनी है? तीन. एक कट जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 और 3 का यहाँ पे बढ़ गया नीचे 2/3 का स्क्वायर होगा 2/9 हो जाएगा. ठीक है, स्क्वायर है और प्लस माइनस 4 × 3 = 12 और 6 × 3 = 18 और प्लस 2. तो जो आपके मिनिमम की वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं 9 × 2 = 18 माइनस 4 × 9 = 36 आ गया और प्लस 18 सर प्लस 20 कर दें सर. ये देखेंगे सर प्लस 20 कर दें डायरेक्टली. यही 20 नहीं हो सकता ना. देखिए 18 और 36 18 18 36 36 माइनस 36 सिर्फ
ये सारे यहाँ पे कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? टू। तो जो आपकी रिलेटिव मिनिमा है वो किसके बराबर आ रही है? टू के। तो मैक्सिमम और मिनिमम रिलेटिव जो है वो दोनों वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी।